नमस्कार, केवर रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। ये मैंने एक गट्टी पालक लेके साफ करके धो लिया है और धो के मैंने उबाल के पीस लिया है। और ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। मैं 10 वारे कली लहसुन के ले रही हूँ, 2 गांठ प्याज की हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है। इनको सभी को हमें चॉप कर लेना है। कढ़ाई लिए इसमें मैंने तेल डाल दिया है, अब इसको गर्म होने देते हैं। 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग। मैं अच्छे से तड़कने लगे हैं। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने 3 टमाटर काट लिए हैं, मैं इनको चॉप कर रही हूँ। प्याज हमारी भुन गई है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने चॉप किया है। हमें इसको भून लेना अच्छे से। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं आप। 1 टेबल नमक, स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार कम से भून लेते हैं। सभी मसाले अच्छे से बन गए हैं। अब मैं इसमें पालक डाल रही हूँ जो मैंने उबाल के पीस लिया था। हम सभी को मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं। सब्जी में हमने पनीर डाल दिया है, इसको 2 मिनट के लिए और बनने देते हैं। ज़्यादा हमें नहीं बनाना है, नहीं तो पनीर टाइट हो जाएगा। हमारी सब्जी बन गई है, अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।